ईडी की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने ईडी की छापेमारी पर कहा कि पूरा देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, बीजेपी वाले यह समझ चुके हैं कि उनकी नीतियां पूरी तरह से विफल है, जनता त्राही त्राही कर रही है। इस बार लोग इसी संदेश के साथ वोट देने जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना है। इटावा पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि बीजेपी अब समझ चुकी है कि उसकी नीतियां विफल हो गई हैं, बेरोजगारी है, किसान संकट में है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, जनता इस बात को अब समझती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा था, भाजपा सरकार कभी पत्रकारों की गिरफ्तारी कर रही है तो कभी सांसद की। आज जब देश में 125 करोड़ से ज़्यादा लोग भाजपा के खिलाफ हैं तो क्या कल को विरोध करने वाले करोड़ों देशवासियों को भी भाजपा सरकार गिरफ्तार करेगी? लेकिन भाजपा यह बात न भूले कि जब जन सैलाब उमड़ता है तो जेलें छोटी पड़ जाती हैं। देश के लिए भाजपा वाले तो कभी जेल गए नहीं हैं, इसलिए इन्हें यह नहीं पता कि हमारे देश में जेल का डर दिखाकर जीत हासिल नहीं की जाती। धमकी जी भी भाजपा अब जाने वाली है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले सांसद के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और पूछताछ भी की थी। ईडी ने गुरुवार को आप सांसद की हिरासत की मांग करते हुए कोर्ट में इस मामले के संबंध में आप नेता की ओर से 1 करोड़ रुपये मिले थे यह इल्ज़ाम लगाया था।